हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम भी। एग्जाम भी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, बेसिकली इसमें हम ईएमआरएस जो कि हमारा फॉर्म प्री ओपन हुआ है, उसमें तीन अलग अलग पोस्ट है, जेएसए की है, ठीक है, उसके अलावा अकाउंटेंट की और तीसरा हॉस्टल वार्डन की है, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। बेसिकली उसमें जो एक सेगमेंट है जीएस का, कुछ लोग उसको जीएस कह रहे हैं, कोई जीए कह रहा है या कोई जीके कह रहा है, फिलहाल तो वो जीए है, जनरल अवेयरनेस है सिर्फ, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे जो उसमें हॉस्टल वार्डन का सिलेबस क्या है, अकाउंटेंट का सिलेबस क्या है, जीएसए का सिलेबस क्या है। आपके सामने है जो बेसिकली जीए पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, तो उसमें देखिए क्या है, हॉस्टल वार्डन में भी उन्होंने सेम लाइन लिखी हुई है, अकाउंटेंट में भी सेम लाइन लिखी हुई है एंड जीएसए में भी सेम लाइन लिखी हुई है, ठीक है। जीएसए में यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अकाउंटेंट में 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा और हॉस्टल वार्डन में यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब 10-10 एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो जीएसए वाले में 30 क्वेश्चन, अकाउंटेंट वाले में 20 क्वेश्चन और हॉस्टल वार्डन वाले में 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को डायरेक्टली मिलेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होगे, तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस है, हम उसमें क्या पढ़े क्या छोड़े, एक ये बड़ी समस्या बनी हुई है, तो यहाँ पर हम उसको आगे देखते हैं। सबसे पहले तो कवर कैसे करना है, कहाँ से क्या पढ़ना है। लास्ट हमारे पास, अब ये मान के चलो कि अभी आपका जो फॉर्म है वो रीओपन हुआ है, तक अभी से आज की तारीख पे, ठीक है, तो आप 45 डेज का टारगेट लेके चल सकते हैं। अभी टारगेट 45 डेज है, तो उसमें हम कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले जीए में ही आपको ध्यान देना है, जीए में आपको कैसे पढ़ना है। तो जीए में सबसे पहले जो टॉपिक होगा आपके लिए वो होगा करंट अफेयर का, और उसमें भी आपको लास्ट 9 मंथ्स, मतलब अगर आप अक्टूबर में हो अभी, ठीक है, तो अभी आपको सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ जो हफ्ते हैं, मतलब आप एक हफ्ता भी ले सकते हो, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप एक हफ्ते में भी वो चीज कर सकते हो, और अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा हुआ, आप रेगुलर टच में नहीं हो, तो आपके लिए वो एक से ज्यादा हफ्ते लग सकते हैं, बट उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी अच्छी सी मैगजीन लेनी है और लास्ट 9 मंथ का पहले एक हफ्ते में करना है, ठीक है। तो एक हफ्ता आपको लेना है, 1 वीक एटलीस्ट लेना है, और एक वीक में आपको क्या करना है, लास्ट मतलब आज से लेकर पीछे के 8-9 महीने जो भी हुए हैं वहां के आपको करंट अफेयर को क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर ऐसा कोई कंपाइलेशन मेरी नजर में नहीं है पर करता है, सो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एसएससीबी जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप है SSCB करके, आप वहां जाइए, वहां पर लास्ट 9 मंथ का करंट अफेयर बिल्कुल, मतलब उसकी जो पीडीएफ है वो पड़ी हुई है, जिसको आप इजिली, मतलब वन लाइनर में है, क्वेश्चन फॉर्म में भी है, आप आराम से उसको तैयार कर सकते हो। एक वीक में सिर्फ उसका रिवीजन करना है, ठीक है। तो क्या सर अक्टूबर तक का करंट अफेयर आएगा या सितंबर तक का करंट अफेयर आएगा? नहीं, आपका पेपर जिस भी महीने में होगा उसके लास्ट मंथ तक का करंट अफेयर आएगा। तो सर आगे का क्या करना है, पहले ये वाला कर लीजिए, फिर आगे का जो बचेगा 1 महीना 1 महीना 40 दिन ऐसे कुछ भी जो बचेगा, उसको आपको कैसे करना है, उसको लास्ट जो आपका टाइम होगा एकदम पेपर से 1-1.5 हफ्ते पहले वाला समय हो, वहां पर कोई 1 हफ्ते की मैं 1 महीने वाला कंपाइलेशन ले लेना और कर लेना, ठीक है। उसके लिए भी मतलब आप एसएससीबी पे जा सकते हो, वहां पर आसानी से वो आपको मिल जाएगा, मंथली वाइज भी मिल जाएगा, और लास्ट 8 महीने का तो उसमें डाल ही दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपको 1 वीक तो एटलीस्ट लेके चलना है, 1 वीक में आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप टॉपिक देख रहे हो ना, तो टॉपिक में वहां पर लिखा है स्पेशल एम्फेसिस ऑन एजुकेशन, तो एजुकेशन वाली जो स्कीम्स है, अब स्कीम सर जो नहीं आई है केवल वही करनी है, नहीं भाई, आपको मिड डे मील से स्टार्ट कर लो, मिड डे मील हो गया, ठीक है, रूसा हो गया, उषा हो गया, ठीक है, जो सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ठीक है, ये सारी स्कीम्स जो बहुत टाइम से चली आ रही हैं, ठीक है, आपको वो सारी स्कीम जो एजुकेशन पर फोकस करती हैं वो सारी करनी है, ठीक है। इसमें कोई भी, भाई आपको ये लग रहा होगा बहुत ही कम नंबर का पूछा जाना है, बट देखो आगे अगर दूसरों से निकलना है, दूसरों को वहां पर पीछे करना है, तो आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। आपको आपको सारे के सारे टॉपिक कवर करने ही पड़ेंगे। तो एजुकेशन वाली जो फाइल है वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, एसएससीबी चैनल पे आप जाकर वहां से कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो आप, वहां पर आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक। इसमें आपको कितना टाइम जाएगा, आप इस पे भी कम से कम मान के चलो 2 से 3 दिन आपका यहाँ पर जाएगा, 2-3 डेज आप यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है। तो अभी ऊपर आपके 1 हफ्ते हुए, 7 दिन, और ये 3 10 दिन। अच्छा, बाकी के सेक्शन का क्या होगा सर, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये जो भी सेक्शन है इनका क्या होगा, ठीक है, हिंदी भी है, उसके अलावा कंप्यूटर भी है। तो देखो ये पर डे जो आपको ये 2 से 3 दिन का बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको सिर्फ जो है पर डे एटलीस्ट आपको मतलब 2 घंटे देने हैं, 2 आवर्स पर डे देने हैं, बाकी जो आपके पास बच रहा है टाइम आप उसमें
अपने दूसरे सब्जेक्ट को उस हिसाब से तैयार कर सकते हो। ठीक है, 2 घंटे दे दीजिए, 2 घंटे यहाँ पर, 2 घंटे यहाँ पर करके। ठीक है, अब आती है, बात आती है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। देखो अभी आपको पता है जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है वो आ चुका है, उसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एक बार लाइन से दिमाग में डाल लेना, 4-5 प्रोविजन कि कितने परसेंट सीट का रिजर्वेशन किया गया, 33, 43, 53 जो भी है वो कर लेना, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है वो ये भी देख लेना। ठीक है, नेशनल वुमेन कमीशन जो है उसको एक बार देख लेना, क्या वो स्टैचुटरी बॉडी है या फिर एक ऐसी ही नॉर्मल सी बॉडी है वो देख लेना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स 101, 102, 103, 107 यहाँ तक आपको करना है भाई। ठीक है, करना ठीक, और इसके लिए आपको सिर्फ दिन में एक दिन, ठीक है, 2 घंटे देखने हैं। 2 घंटे में आपको क्या करना है, अमित सर की वीडियो भी पड़ी है अमेंडमेंट्स के ऊपर, ठीक है, उसमें सारे उन्होंने जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे वो कवर कराए हुए हैं, आप वहां से ये वाला सेक्शन कर सकते हो, उससे ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना है। ठीक है, 2 घंटे सिर्फ किसी भी एक दिन आपको देना है, तो इसमें आपको सिर्फ 1 डे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक दिन। तो अभी आपके टोटल 11 डेज हो चुके हैं। ठीक है, सुपरलेटिव टाइप न्यूज जो है वो आपको, जो करंट अफेयर आप वन लाइनर पढ़ोगे वहां पर अच्छे से कवर की गई है, विक्रम सर ने पूरा कंपाइलेशन तैयार किया है, सर ने भी उसमें काफी इनपुट्स दिए हुए हैं, तो वो चीजें आपको वहां पर काफी हेल्प कर देंगी। वन लाइनर सुपरलेटिव टाइप की, भारत में सबसे पहले मतलब सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर बनाई गई, ठीक है, ऐसे करके जो सबसे पहले सबसे बड़ा ऐसे करके जो भी क्वेश्चन होता है वहां से क्वेश्चन जरूर देखे जाते हैं। किसी भी देश में कोई पहली प्रधानमंत्री इस समय बनी हो, कोई पहले राष्ट्रपति बना हो, तो वो वाला पॉइंट पूछा जाता है, तो वो सुपरलेटिव टाइप जो क्वेश्चन है वो जरूर करने हैं, और ये इसी के साथ हो जाएगा, इसके लिए कोई अलग से टाइम आपको डेडिकेट नहीं करना है। इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स कौन जारी करता है, और अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, ये भी आपका जो करंट अफेयर वाला कंपाइलेशन है यहीं से तैयार हो जाएगा। अवार्ड्स रिलेटेड टू एजुकेशन, क्या एजुकेशन से रिलेटेड कोई अवार्ड होते हैं? ठीक है, अगर होते हैं तो भाई वो तो तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्रथम एनजीओ जो जारी करता है, ठीक है, रिपोर्ट, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तैयार करनी पड़ेगी रिपोर्ट। आप उसमें ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं भाई वो छोड़ देते हैं, नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट है, जैसे स्टेट एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स करके जो जारी होती है, ठीक है, वो आपको करना ही पड़ेगा भाई, सेकी रिपोर्ट, ठीक है, की जो रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड वो आपको करना पड़ेगा, उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि आप छोड़ सकते हो भाई, एक नंबर। बस फिर वहीं पे खत्म, और जबकि इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आपको इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में एजुकेशन वाली रिपोर्ट्स ध्यान से करनी है। इंस्टीट्यूशन हेडक्वार्टर एंड एस्टेब्लिश्ड ईयर, जितनी भी मतलब मेजर जो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो एजुकेशन से रिलेटेड संस्थाएं हैं, ठीक है, जैसे कि आप इग्नू की बात कर सकते हो, ठीक है, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल है आप उसकी बात कर सकते हो, ठीक है, ये कब स्टैब्लिश हुए थे या इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, अगर कोई ऐसा मतलब एमआरएस का पर्टिकुलर बात नहीं हो रही, यहाँ पर जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड संस्थाएं हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पे जो काम कर रही हैं उनके हेडक्वार्टर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कर लेना, इसके लिए एक दिन देना है आपको, ठीक है, सर्च कर लेना भाई, एक दिन में ये काम हो जाएगा। तो अब ये हो गया 12वां दिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ये आपको करंट अफेयर वाले सेक्शन में ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड लोकेशन, G20 कहाँ आयोजित किया गया है, भारत का ये वाला जो जो अभी वर्ल्ड कप पूरा कहाँ आयोजित हो रहा है, अगला वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होगा, ऐसे करके ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ये भी करने, और इसके लिए कोई अलग से टाइम नहीं देना है, यहीं पर हो जाएगा। तो ये अभी आपको टोटल कितने दिन हुए, 7, 3, 10, 11 और 12, टोटल 12 डेज में आपके ये सारे टॉपिक्स क्या होने हो जाने चाहिए, कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़े से रेगुलर सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब आपको दिखाई दे रहा होगा हिस्ट्री, सर हिस्ट्री में कितना सब कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री में तो बहुत कुछ आता है, बिल्कुल आता है, पर ना इनकी आपको एक दिन लगाना है, सिर्फ एक दिन, और 2-3 घंटे इसमें खर्च होंगे आपके, या आगे आने वाले कई एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। जैसे आपको कुछ नहीं करना है, एक पेपर लेना है, पेपर में कॉलम बना लेना है, कैसे, ऐसे करके कॉलम बना लेना है। ठीक है, ठीक है जी, चलो अभी यहाँ पर इंडस वैली साइट्स लिखते जाओ। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, लोथल, ठीक है, बनावली, राखीगढ़ी, ये सब लिख लिया। ठीक है, यहाँ ईयर लिखो कब ढूंढा गया था, ठीक है, और यहाँ पर लिखो एक्सक्वेटर किसने खोजा था, बस ये एक लिस्ट बनेगी, और इसमें आपका ये पूरा वाला जो पोर्शन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आगे आने वाले कितने एग्जाम होंगे सोचो, आपके हर एग्जाम में ये आपकी मदद करने वाला है, ऐसा है कि नहीं है। ठीक, ये हो गया, चलो अब इसमें कितना टाइम जाना चाहिए सर, मेरे हिसाब से तो भाई ये बहुत ज्यादा, तो एक दिन का काम है, कोई भी बुक उठा लोगे उस बुक में ये लिस्ट तो आपको मिलेगी, बस आपको याद करना है, 2 घंटे भी अगर आपने लगा दिए तो हो गया। ठीक है,
वेद के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, कि होता कौन होता है, पुरोहित कौन होता है, ये वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये कर लेना। महाजनपद और कैपिटल, फिर से वही, एक तरफ सिटी एक तरफ कैपिटल, केवल एक लिस्ट बना लेनी ऐसे करके, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, तो ये भी हो गया, और ये वाला भी कितने टाइम में हो जाएगा, एक दिन के अंदर, ये वाला और ये दोनों पोर्शन एक दिन के अंदर आपको कर लेना है। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म क्या होता है भाई, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, महावीर स्वामी, ठीक है, गौतम बुद्ध, ये हो गया। लिटरेचर एंड ऑथर, हाँ इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोई ट्रेडिशनल बुक कोई भी उठा लोगे जिसमें जीएस जीए के बारे में दे रखा है, तो वहां पर ये टॉपिक इजिली मिल जाएंगे। फिर कौन सी डायनेस्टी को किसने स्थापित किया था, ये कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, ये वाला पॉइंट छोड़ भी सकते हो आप, क्योंकि थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत याद करना पड़ रहा है। टेम्पल्स एंड लोकेशन, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि भाई जो एलोरा है वो कहाँ पर, केव्स के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, इस तरह का कैलाश टेम्पल कहाँ पर है, तो वो पूछा जा सकता है भाई, उसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। खजुराहो टेम्पल्स कहाँ पर है, कर सकता है। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है, अभी होयसल टेम्पल को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, कर्नाटक में है कहाँ पर है, ऐसे करके, है ना, तो वो एक बार कर लेना। उसके बाद हिस्ट्री में आ जाना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, गवर्नर एंड टाइम पीरियड, अलग अलग गवर्नर, जैसे बात करूं तो करते हो वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं, उसके बाद वो जाते हैं, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कौन आता है, 1883-1885 में जाते हैं, उसके बाद आते हैं कार्नवालिस, कार्नवालिस जाते हैं, जॉन शोर आते हैं, वेलेस्ली आते हैं, ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं, फिर मिंटो आते हैं, ठीक है, फिर हार्डिंग्स आते हैं, ऐसे करके आगे पूरी चलती जाती कहानी, सॉरी हेस्टिंग्स आते हैं, फिर ऐसे कहानी चलती जाती है। तो वो आपको एक तरफ गवर्नर लिखना है, और एक तरफ कि कौन से ईयर में वो आए या फिर वो गए, एक तरफ से लिखते चले जाना है, जाने वाला लिख लो या आने वाला लिख लो बस। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने हिस्ट्री पढ़ी नहीं होगी, जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए भी ये बढ़िया रहेगा कि उसको ना एक्चुअली थोड़ा सा टाइम से अंदाजा मिल जाएगा। अगर आपने पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब आया था, भारत छोड़ो आंदोलन जब आया था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, आप तुरंत सोचोगे देखो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, ठीक है, 1942 में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे उसमें तो लिलित घो लिख कर आ रहा था, मैंने जब पढ़ा था तो उस समय का मुझे दिखा रहा था वायसराय लिलित घो, तो आप तुरंत टिक कर दोगे भाई लिलित घो पे टिक लगाओ, यही करेक्ट आंसर होने वाला है, ऐसे करके आप चले जाओगे ना। तो वो बात आती है कि आपको वहां से आइडिया मिल जाता है कि आगे कैसे हमको जाना है। आपसे पूछेगा बताओ भैया जो क्या नाम है, क्या एडमिशन आया था 1946, कौन था उस समय, आप अंदाजा लगाओगे 1944 से तो वेवल थे, वेवल रहे 1947 तक, फिर माउंटबेटन आए, तो उस समय तो वेवल रहेंगे, तो वेवल हो गया आंसर। पूछेगा भाई ये बताओ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, सीडीएम, ठीक है, तो उस समय कौन था भाई, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे फिर से कि 1930 की बात कर रहा है, ठीक है, उस समय इरविन का नाम आता है याद, कि 1926 से इरविन आ गए थे, 1931 तक रहते, तो ऐसे करके आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हाँ ये वाला रहा होगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड ईयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ हिस्ट्री, कि आपको पानीपत का फर्स्ट, पानीपत का सेकंड, पानीपत का थर्ड, ठीक है, उसके बाद हल्दीघाटी का वॉर हो गया, ठीक है, उसके बाद प्लासी, बक्सर, ठीक है, ये सारे करने पड़ेंगे भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, लाइन से ईयर वाइज बना लेना, तराइन से या स्टार्ट करना है इसको, तराइन के बैटल से स्टार्ट करना, तराइन बैटल फर्स्ट, तराइन बैटल सेकंड, और वहां से आगे बढ़ते जाना, और कब आकर छोड़ देना कि भाई आपका जो ये बक्सर बक्सर वाला बैटल होगा, या उसके बाद आप 1857 पे आकर छोड़ सकते हो आखिरी, उसके बाद तो कुछ ऐसा खास दिखेगा ही नहीं, ठीक है, तो 1857 पे आके रुक जाना। ठीक है, फिर ये पूरा आपको इसमें पूरा एक दिन जाएगा, इसमें ये नहीं कि 2 घंटे घंटे लगने, इसमें पूरा एक दिन जाएगा, लेकिन हाँ ये आप किसी भी बुक से करोगे तो बहुत आपका यहां से हो जाएगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट है भाई, एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ, हिस्ट्री में अगर कहीं से क्वेश्चन बन सकता है तो यहां से बनने के चांसेस हाईएस्ट हैं, कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो ये सार्जेंट कमीशन जो बनाया गया था, ठीक है, सेडलर कमीशन जो बनाया गया था, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, या फिर जो यूजीसी है उसकी स्थापना किसके, कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पे हुई थी, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको भाई जो है बुक एक यूट्यूब कर लेना या फिर आप गूगल कर लेना, वहां पर इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और अगर नहीं होता, आपको लग रहा है सर ये सब नहीं हो सकता है, तो आप मेरे को बता देना, मैं इन सारे टॉपिक्स को एक या मतलब 2 वीडियोस में दूंगा, अगर आप बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आईएनसी एंड सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सेशन, अमित सर की वीडियो पड़ी है, सर्च करना है अमित सर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सेशन, बस वहीं पर आपको पूरा डिटेल्स उन्होंने सारे मतलब जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुए थे सारे उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, छोटी सी वीडियो है, वो आप गो थ्रू हो सकते हो। तो ये एक दिन का आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है भाई, चलो, हाँ
ज्योग्राफी में क्या करना है सर? ज्योग्राफी में रिवर और ट्रिब्यूटरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, केवल 5 रिवर कर लो, बहुत ज्यादा नहीं जाना, नर्मदा भी कर लेना, 6 रिवर कर लेना बस, इससे ज्यादा आता है तो फिर भगवान मालिक है, इतने में हो जाना चाहिए, ठीक है। रिवर कर लेना, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज उनकी कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स की आल्प्स कहाँ पर है, यूरोप में है, ठीक है, एंडीज कहाँ पर है, ये वाला कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में पूछा जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और आपका ट्रॉपिक ऑफ इक्वेट, जो इक्वेटर है, यहाँ से कौन कौन सी जो लाइंस वगैरह पासेस, कौन कौन सी कंट्रीज से ये लाइंस पास होती है, ये करना पड़ेगा, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें भी आपको एक दिन देना है, अभी तक आपको करंट अफेयर पे 12 दिन हुए, हिस्ट्री पे 13वां दिन और ज्योग्राफी पे आपका 14th डे, यहाँ पर 14वां दिन हो चुका है। वाटरफॉल्स इन दी कंट्री एंड रिवर, भारत में जितने भी वाटरफॉल्स है, धुआंधार वाटरफॉल्स हो गया, ठीक है, उसके बाद जोग वाटरफॉल्स हो गया, उसी तरह कुंचीकुल वाटरफॉल्स हो गया, ठीक है, उनकी लिस्ट बनानी है, कौन से स्टेट पे और कौन सी रिवर पे है, वो वाला आपको हिस्सा करना है। स्टेट एंड इस्थमस इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, स्टेट एंड इस्थमस क्वेश्चन पूछा जाता है। कंट्रीज एंड कैपिटल, अभी न्यूज में जो भी कंट्रीज रही हैं भाई, उनके बारे में देख लेना, यूक्रेन की राजधानी क्या है, रशिया की क्या है, चाइना की क्या है, इंडिया की क्या है, अब इंडिया, ठीक है, नामीबिया की क्या है, ये थोड़ी सी कंट्रीज हैं, नाइजर की क्या है, इनको देख लेना, सारी नहीं, थोड़ी सी जो न्यूज में थी जो आपको याद आ रही हो, केवल उनको। इस पे भी ना कर पाना, कमेंट बॉक्स में डाल देना सर, ज्योग्राफी वाला एक बार पूरा वीडियो बना दो, मिल जाएगा, ठीक है, बस आपको लिखना है, कम से कम 10-20 लोग अगर उस चीज को बोलोगे तो भाई वो काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं पॉलिटी वाले पे। पॉलिटी वाले में जैसे आपको पहले ही बता दिया, जो अमेंडमेंट्स है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है, 100 से लेकर इधर वाले सारे, वो तो आपको करने ही करने, उससे पहले 24, 42, 44, ठीक है, 61, ये सारे अमेंडमेंट करने हैं। भाषा वाले भी अमेंडमेंट कर लेने भाई, 3 अमेंडमेंट थे, ठीक है। एजुकेशन वाला अमेंडमेंट तो बिल्कुल मत भूलना भाई, 86वां अमेंडमेंट 2002, बिल्कुल मत भूलना, पूछा जा सकता है, 100% चांसेस है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड आर्टिकल्स बिल्कुल करना भाई, कैग 148, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 124, ठीक है, इस तरह के जो फाइनेंस कमीशन 280, ये वाले भाई करके जाने हैं, और इसको भी एक वीडियो में डलवा दी जाएगा अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। शेड्यूल एंड मैटर, कौन सी प्रथम अनुसूची में किसकी बात की गई है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ये बोरोइंग फ्रॉम सी अदर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान बना है उसमें अलग अलग राज्य, अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन, उससे अलग अलग चीजें ली गई हैं, उसके बारे में भी आपको करना है भाई। इसके लिए आप कोई भी बुक उठा लो, लुसेंटी उठा लो, वहां पर आपको इजिली ये चीज मिल जाएगी, कर लेना कि फंडामेंटल राइट्स की जो बात की गई है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे डीपीएसपी हो या फिर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हो, वहां पर एजुकेशन की बात की गई है, तो वो वाले आर्टिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए भी आपको एक दिन देना है, और ये आपका 15वां दिन हो गया, ठीक है, 15th डे है, और आपका पॉलिटी वाला हिस्सा भी जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी भाई, ठीक है। चलो ये चीजें आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा सर, अभी 45 दिन है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ चीजों पर वर्क करना चाहिए। मुझे एक्ट वाला तो आपने बताया ही नहीं, पॉक्सो एक्ट दे रखा है, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 दे रखा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट दे रखा है, सर मैं तो लैंग्वेज भी नहीं समझ पाता हूँ, उसकी भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं करना है, आई एग्जामी की वेबसाइट पर विजिट कीजिए, ईमर्स हॉस्टल वार्डन, जो हमारा पूरा आपको पैकेज मिल रहा है, उसमें सारी चीजें बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प में है, बेसिकली जो चाइल्ड सेफ्टी रिलेटेड जो एक्ट है उनको मैंने ही करवाया हुआ है, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से वहां पर कवर की गई हैं। उसमें कोर्स वीडियोस में आपको सारे टॉपिक के बारे में वीडियो मिल जाएगी, उसके अलावा लाइव क्लास होगी जिसमें आपको जो जितने भी एक्ट्स उनको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, मैं ही करूंगा बेसिकली, हर दिन, हर बार जो लाइव क्लास होगी उसमें अलग अलग जो हम एक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट में आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि कितना आप मतलब कितना आपको याद है, आप कितना अच्छा एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हो, ये सारी चीजें हैं। तो काफी सारी चीजें आपको हमारे हॉस्टल वार्डन कोर्स में हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं आपको। उसके अलावा अगर आप जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का कर रहे हो तो भी उसके लिए कोर्स है, और सेम कोर्स हमारा अकाउंटेंट के लिए, मतलब 3 अलग अलग कोर्स है बेसिकली, क्योंकि हर पेपर का यहाँ पर लेवल अलग अलग है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आपको कॉन्टेक्ट करना है तो यहाँ पर नीचे नंबर दिया गया है, 9205524028, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को वहां से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना था, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू। एंड द लास्ट थिंग इज कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि सर इस पे थोड़ा सा आप मुझे समझा दो, ऐसे करें, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में आप डालिए, आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल।